नमस्ते दोस्तों, आज सोचा आप लोगों से एक एक पुरानी कथा शेयर करूंगा। बहुत समय की बात है, एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए, बहुत धार्मिक व्यक्ति हुए, उम्र आने पे उनका देहांत हुआ। यम उनको लेने आए, यम मानी गॉड ऑफ डेथ, यम उनको लेने आए। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही पूजनीय थे, यम ने बोला कि आपको मैं एक चॉइस देता हूँ, क्योंकि ये चॉइस किसी को दी नहीं जाती मृत्यु के उपरांत, बट आपको ये चॉइस देता हूँ मैं कि आप चाहें तो आप स्वर्ग चुन लीजिए, चाहें तो आप नरक चुन लीजिए। इन विद्वान व्यक्ति ने बोला कि मैंने कथाएं तो बहुत सुनी हैं स्वर्ग और नरक की, चलो अगर आज चॉइस मिली ही है तो देख लेते हैं। तो उन्होंने यम को प्रार्थना की कि आप मुझे दोनों दिखा दीजिए, फिर मैं डिसीजन लूँगा। यम पहले उनको नरक के द्वार पर लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, आपको दूर से ही देखना होगा। तो ये विद्वान व्यक्ति दूर से नरक का नज़ारा देखते हैं। पहला सीन नरक का कि बहुत सारी सुंदर टेबल सजे हैं हर तरह के पकवान से, जिस तरह का खाना आप सोच सके उस तरह का खाना उन उन टेबल्स पे लगा हुआ है। सीन टू, फिर ये देखते हैं कि नरक में जितने व्यक्ति हैं उन सबके हाथ बांध दिए गए हैं, उनके हाथ सीधा करके उसमें एक समझ लीजिए लकड़ी की बांस लगा के उसको बांध दिया, तो अब ये हाथ मुड़ नहीं सकते, और इन लोगों को खुला छोड़ दिया। अब ये सभी नरक के लोग उन खाने के टेबल्स पे जाते हैं, प्लेट्स उठाते हैं और उन प्लेट्स में इस तरह से खूब सारा भोजन डालते हैं अपनी मनपसंद का, और वो भोजन की प्लेट लेके दूसरी जगह पे आते हैं जहाँ पे बैठ के खाना खाना है। अब क्योंकि उनके हाथ वो मुड़ नहीं सकते, तो कोई व्यक्ति खाना ऊपर उछाल रहा है हवा में और मुँह से खाने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति सीधा ही अपना मुँह खाने की प्लेट में डाल रहा है उस खाने को खाने के लिए। सो पूरा सीन वॉज अ मेस, एकदम एकदम वहाँ गंदगी मची हुई थी, क्योंकि किसी की भी बाजुएं फोल्ड नहीं हो पा रही थी। तो खाना तो बहुत था वहाँ पे, पकवान तो बहुत थे, मगर हर व्यक्ति नरक का भूखा था। उन्होंने ये दृश्य देखा, फिर यम को प्रार्थना की कि चलिए अब मुझे स्वर्ग का दृश्य दिखाइए। श्योर, तो यम उनको अब स्वर्ग के द्वार पर लेके गए, और शर्त वही है आप अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर से ही देखना होगा क्योंकि अभी आपने चूज़ नहीं किया। तो बाहर से ये विद्वान व्यक्ति अब स्वर्ग का नज़ारा देख रहे हैं। सीन वन स्वर्ग का, सेम वही, उसी तरह के टेबल, वही पकवान, वही सारा खाना, बिल्कुल इक्विवेलेंट जैसा कि नरक में था वैसा ही स्वर्ग में। फिर इन्होंने स्वर्ग के व्यक्तियों को देखा, सेम सीन, स्वर्ग के भी सभी व्यक्तियों की बाजुओं पे रॉड लगा के बांधा हुआ है, स्वर्ग के भी हर आदमी की बाजुएं मुड़ नहीं सकती। ये स्वर्ग के लोग भी उन्हीं टेबल्स पे जाते हैं, ऐसे हाथ सीधे करके प्लेट्स लेते हैं, खाना परोसते हैं अपनी प्लेट्स में। अब फाइनल सीन जब वो स्वर्ग का देखते हैं, क्योंकि इन विद्वान व्यक्तियों को लगा कि फ़र्क क्या हुआ नरक और स्वर्ग में, दोनों जगह हाथ बंधे, दोनों जगह आप भोजन नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने जब अंतिम सीन देखा उस जगह का, स्वर्ग में जहाँ सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आँखें खुल गई। क्या हुआ वहाँ पे? सभी के तो हाथ बंधे थे और सभी के प्लेटों में खाना भोजन पूरा था, पर्याप्त था, मगर क्या देखते हैं ये कि कोई भी खुद से भोजन नहीं खा रहा क्योंकि बाजू नहीं मुड़ सकती, हर व्यक्ति दूसरे को खाना खिला रहा है अपनी सीधी बाजू से, क्योंकि जब अगर आपकी बाजू सीधी है स्वयं को तो नहीं खिला सकते, बट साथ वाले को, अपने पड़ोसी को तो खिला ही सकते हो। सो हर आदमी स्वर्ग में एक दूसरे को भोजन खिला रहा है, और हर व्यक्ति पर्याप्त है, रजा हुआ है, भरा हुआ उस भोजन से। ये दो नज़ारे दिखे उनको। ऑफकोर्स इन विद्वान व्यक्ति ने स्वर्ग ही जाना प्रेफर किया। ये कथा है, इस कथा से बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मेरा क्या निष्कर्ष या मेरी क्या समझ इस कथा से, वो मैं आपसे अगले हफ्ते शेयर करूँगा, बट तब तक मैं चाहता हूँ कि आप सब, अगर ये कथा से आपको कुछ कुछ जाग रहा है, कुछ परसेप्शन जाग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि राइट अबाउट दैट, शेयर व्हाट यू फील आउट ऑफ दिस कथा, शेयर आप क्या सीख पा रहे हैं इस कथा से। अगले हफ्ते आई विल शेयर विद यू कि इस कथा से मैंने क्या सीखा और क्यों ये कथा मुझे इतनी प्रिय है। सो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक कीप राइटिंग योर फीलिंग अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।